की इच्छा होती है। वैसे तो सैंडविच बहुत तरह के होते हैं, पर सबसे पहले हमारे दिमाग में मसालेदार वेजिटेबल्स वाले सैंडविच खाने की इच्छा होती है। फ्रूट सैंडविच, सलाद सैंडविच, बहुत तरह के, पर मसालेदार मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिसेस शर्मा आपके लिए लाई हूँ क्रंची मसालेदार सैंडविच, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और यह जो है सप्ताह में एक दिन बनाना ही चाहिए। मैं तो अपने घर वीक में एक दिन जरूर बनाती हूँ। डेली बिजी शेड्यूल में हमारा रूटीन काफी अस्त व्यस्त चलता है, तो इसके लिए हमें कुछ एक दिन कुछ शॉर्ट और हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट बनाना अच्छा लगता है और जरूरी भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लिया है एक कैबेज, जिसका मैंने एक पीस कट कर दिया है और इसे मैं बारीकी से काट रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीट्स यूज कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको यूज करनी है बारीकी से कट कीजिए और उसमें मिक्स करेंगे हम इसे मसाले में। इसके लिए आप दो अनियन ले लीजिए, एक चिली, थोड़ी सी गार्लिक स्लाइस करके, एंड हमें सजाने के लिए सैंडविच को टोमेटो की पतले पतले स्लाइस कट कर लेने हैं, ये देखिए जैसे मैंने किया है। और स्लाइसर से आप कुकुम्बर को भी स्लाइस कर लें, काफी पतले पतले, जैसे शेप में आपको खाना हो वैसे। ये जो है हम ब्रेड में सजाएंगे। फिर मैंने एक कढ़ाई गर्म की है, कढ़ाई में गर्म करने के बाद मैंने ऑयल डाला है और जीरा डाला है, आप चाहे तो सरसों यूज कर सकते हैं। फिर मैंने उसमें गार्लिक के पतले पतले स्लाइस और चिली डाला है मैंने। उसे तल लेने के बाद मैं उसमें अनियन डाली हूँ और अनियन फ्राई कर रही हूँ। ये सबका फ्लेवर सबसे स्टार्टिंग में आता है ऑयल में, तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर। मसाले वगैरह डाल देने के बाद मैंने इसमें यूज किया है कैबेज कटी हुई, इसे मैं डालूंगी और स्टीम दूंगी 2-3 बार, जिससे ये कंप्लीट अच्छे से गल जाएगा। और मैंने 3 बॉइल्ड आलू के चटनी टाइप बनाकर रख लिया है। जब ये पत्ता गोभी कंप्लीट बन जाएगा फिर हम जो है इसमें आलू डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा निकाल रखा है अपनी बेबी के लिए, और बाकी के मसाले को मैंने सब्जी में मिक्स कर दिया है। ये देखिए, आप इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे, बिल्कुल कंप्लीट। बच्चों को क्या है ना, पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स मिलाई है। बच्चे काफी नकली करते हैं, तो स्कूल लंच के लिए या शॉर्टकट ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे आराम से इस मसाले को सैंडविच में यूज करके बच्चे को मनचाही सब्जी खिला सकते हैं, और खिलानी चाहिए भी। ये हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब जो है हम ब्रेड लिए हैं, ये मैंने ब्राउन ब्रेड यूज किया है, आप चाहे तो मैदे वाली व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक साइड में टोमेटो सॉस लगाया है, हल्के हल्के यूज किया है, आप चाहे जितना लगा सकते हैं। और दूसरी साइड में जो है आपको ग्रीन चिली सॉस या फिर कोई भी चटनी, धनिया वाली, पुदीने वाली लगा सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर मैं आलू के छोटे छोटे टिक्की बना के उसमें आराम से रखती हूँ, और अब मैं कुकुम्बर की पतली पतली स्लाइस अच्छे से सजा रही हूँ, और टमाटो रख दिया है और अनियन की भी एक कट रख दिया है। इसे प्रेस करते हुए मैंने एक पैन गर्म किया है, ऑयल डाला है फॉर्चून, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, और इसे डालकर मीडियम या स्लो बिल्कुल फ्लेम में आप इसे तलिए। पकाने के बाद इसे धीरे से आहिस्ता से पलटना है, ये देखिए इसे प्रेस करना है हमें, ये जो मैंने छलनी लिया है उसे प्रेस करना है इसे, ताकि ये इसमें क्रंचेस ज़्यादा हो। फिर आराम से इसे हम कट करेंगे ट्रायंगल वाइज थोड़ी ठंडे होने के बाद, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और सबसे खूबसूरती तो इसकी खाने में है। ये इतना स्पाइसी और इतना क्रंची है कि ब्रेकफास्ट अगर इसे एक बार कर लो तो मन करेगा कि डेली का ब्रेकफास्ट यही क्यों ना बनाया जाए। बच्चों को आप इसे चाहे तो लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, मनचाही सब्जियां खिला सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ वीक में आप भी इसे 1-2 दिन ट्राई कीजिए और अपना रिप्लाई जरूर मुझे दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको जरूर मिले। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्टिंग एंड लाइक माई वीडियो।